स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास एक OEM कैमरा है जो CP-Link किसी नाम से है। आपने शायद ये नाम सुना भी ना हो, पहले गूगल करके आप देख लेना, गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगा। ये कुछ जो मेरे पास कैमरा है, ये कुछ कैमरे OEM कैमरे होते हैं, मतलब हमने कोई भी कंपनी से कोई कैमरा बनवाया, उस पर अपना सॉफ्टवेयर डलवाया और अपना मार्कर लगा के हमने उसे बेच दिया। ये लोकल कैमरों में किस श्रेणी में आते हैं, चाइनीज कैमरे भी इनको बोलते हैं। ये कैमरे का अगर आपको IP पता करना हो तो आप कैसे पता कर सकते हैं, या इस कैमरे की आपको कलर सेटिंग चेंज करनी है वो कैसे कर सकते हैं, इस कैमरे की पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक कैमरा है जो कि कुछ इस तरह का है। ये IP कैमरा है और मैं आपको IP कैमरे की ही सेटिंग बता रहा हूँ। इस कैमरे की आज जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि आपको पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका IP कैसे पता कर सकते हैं अगर आपके पास ये कैमरा है और आपको इसका IP नहीं पता है, या आप इसका जो माइक होता है वो कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको कई बार रिक्वायरमेंट आती है कि हमें माइक की जरूरत नहीं है लेकिन IP कैमरा ही लगवाना है, वो इसका आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, इसका रेजोल्यूशन आप कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप ये कैमरा DVR पे चलाना चाहते हैं तो इसका रेजोल्यूशन कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या आप इसकी कलर सेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसी को लेके पूरी वीडियो होने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहीं पे मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप अच्छे से सब कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो भाई मैंने कैमरे को कनेक्ट कर लिया है अपने लैपटॉप से, आप देख सकते हैं इधर से मैंने लैंप से कनेक्ट कर लिया और इधर मैंने पावर दे दिया कैमरे को। अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो भाई आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और मैं कोई भी एक विंडो खोल लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसे मिनिमाइज करना है और चेक करना है कि आपका जो कैमरा है इसमें यहाँ पे लाइट आ रही है क्या, ये ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद एक एप्लीकेशन है जो कि आपको नॉर्मली वेबसाइट पे किसी पे भी मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मोबाइलों में भी आपके होगी अगर आप कैमरे का काम करते हैं, जिसका नाम है फिल्म। मैंने इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड किया हुआ है तो मैं अपने PC में ही कनेक्ट करके इसे चेक कर रहा हूँ दोस्तों। एप्लीकेशन हमारी ओपन हो चुकी है। मेरा जो PC है थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेस्ट अगेन। अब आपको देखना है कि हमारा जो डिवाइसेस है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, आपको अपनी लैंप केबल चेक करनी है दोबारा दोनों तरफ से। उसके बाद फिर टेस्ट अगेन और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने IP शो कर दिया है, हमारा जो है डेस्कटॉप का जो IP है वो भी शो कर दिया है और जो हमारे कैमरे का IP है वो भी यहाँ पे इसने शो कर दिया, जो कि है 192.168.0.236। उसके बाद हमें इसे क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है सेम IP को। यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार 192.168.0.239 यही था, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्या था हमारा। टू थ्री सिक्स था तो हम यहाँ पे 6 जाके इसे सर्च कर लेते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पासवर्ड है वो क्या है और आपको लैंग्वेज अगर चेंज करनी है तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसे आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपका कैमरा चल जाएगा। मैंने अपने PC में कुछ ड्राइवर प्रॉपर अपडेट नहीं किए हुए हैं तो इसलिए थोड़ा स्लो है, आप देख सकते हैं। मैं इसके लाइव सेटअप में जाता हूं। अगर आपको इसका IP चेंज करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे करना है। आपको लाइव सेटअप में जाना है, उसके बाद आपको नीचे यहां पे नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां से आपको जो भी IP चेंज करना है वो आप अपने हिसाब से IP चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अपने कैमरे को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और भी फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रीम का है। यहाँ पे अगर आपको कैमरे का रेजोल्यूशन चेंज करना है वो कर सकते हैं,
इसका ऑडियो वीडियो मोड ऑन रखना है या सिर्फ इसका माइक है जो वो ऑफ करना है, उसका ऑप्शन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। फ्रेम रेट वगैरह सब कुछ आपको किस क्वालिटी के चाहिए पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आपको कितने Mbps पे है, जो भी पूरी जानकारी है सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप इजीली इसे चेंज कर सकते हो और इजीली इसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि सीसीटीवी की नई नई इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।